छुड़ा लिए घेर के स्टेशन पे गार्ड वालों से। क्या हुआ भैया? ए लव भैया को बेरा। वहां से रामकुमार भूरा राधा चरण वहां पे चले आते हैं बंदूक लेकर के। अब कहने लगे अब हमारे पास सच्चे हथियार है गए, अब हम सीधे गढ़राई जाएंगे, दुश्मनों को हम छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ मेरे नौजवान साथियों? लव भैया को मेरा पहुंची गौ शहर ग्वालियर जाई, महारानी के चरण में जाने वैसी झुकाई। हमने चार बंदूक ली है, पुलिस बहुत परेशान प्रशासन कर देगा, इसलिए महारानी के पास चले तो कुछ न कुछ वहां से बड़े का हाथ मिल जाएगा, कुछ सारा मिल जाएगा। जब हम गढ़राई आएंगे महारानी के पास जाकर के चरणों में सिर झुकाया, मैया हमारी रक्षा कर, हमारी मदद कर दो। ए मैया आयो पास पूरी करिया सर हो दुखे आई, पास आए हमारी कुछ मदद कर दो। बोली बेटा बैठो तुम। का कह रही महारानी? अरे बेटा मेरे जोरे आयो का।
साइकिल में रात रह रहा है। ए संग में चलूं तुम्हारे, संग में चलूं तुम्हारे, पूरी करवाए दूं तेरी याद। आए जे तुम्हारे मिले रहो भैया, बारी भैया तू आज मेरे संग दे दे, मेरे संग चल। आज ज्ञानी कहने लगे हैं, चलो भैया तुम्हारा मैं संग अवश्य दूंगा, चलो हम मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। आज मिलने लगे हैं और नेताजी सालकराम के हाथों तीन बंदूक लौटवा दी। और भैया क्या होता है, गिरोह बना करके कहां पहुंचे, क्या करने लगे। इतने वचन सुने ज्ञानी के, डाकू भरो रोष में जाए। भैया चारो वहां से तब चले दीने, ग्राम ब्रह्मपुर पहुंचे जाए। मेरे चेला बैठे भैया मंदा।
रहे हैं और मोरली बेहड़ के लिए कूद जाते हैं वहां से दौड़ करके। इधर जैसे ही बेहड़ में चले जा रहे हैं तब तक काभो एक अपने ही गुर्जर कुल में बैजनाथ डाकू थे। क्या हुआ भैया? डाकू बैजनाथ तो पड़ो या गारी है, राधा चरणन वचन उतारो है। भगीजा आज सावन से तेरो काला खींच के लायो वे। इधर से डाकू राधा चरण जा रहा था, उधर से बैजनाथ डाकू ने समझी कब पुलिस ने दबा लिया, घेरा डाल लिया। इधर राधा चरण ने समझी कब पुलिस ने घेरा दे लिया मेरा। आज दोनों सतर्क हो जाते हैं गोली चलाने के लिए। क्या हुआ भैया? कीर्तन बोलने लगे हैं कैसे? हे गेंदा गिर पे आए गए रे मां बोल।